गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो कल का व्लॉग आपने देख ही लिया होगा, जो हम नारगोल और दमन गए थे फोटो शूट के लिए भूमि हाउस के। तो आज हम जा रहे हैं प्राची को उसके घर पे छोड़ने के लिए, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन है, भूमि की शादी है, तो अभी 10 दिन बाकी है शादी को। तो अभी क्या है, प्राची को हम उसके घर पे छोड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो शादी की जो भी तैयारियाँ है उसमें वो हेल्प कर सके और हम यहाँ पे जलसा कर सके। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। किसी मम्मा कहीं गयो डाइपर लेवा कौन है? डाइपर कौन है? डाइपर तारा डाइपर लेवा गया मम्मा। तो अभी हम आए ग्रीव ग्रीसु के कपड़े लेने के लिए, नाइट ड्रेस। ग्रीव कोको लेवा ना जइए। अभी एकदम बढ़िया चटाकेदार वड़ा पाव खा के आए हैं और ग्रीसु ग्रीव का नाइट ड्रेस भी ले लिया है। तो गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है, ये गाड़ी के अंदर भी इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, मेरे को जैकेट निकाल देना पड़ा गलती से। आज मैंने सुबह सुबह में जैकेट पहन लिया, चलो पूरा दिन आज जैकेट पहनेंगे, लेकिन इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है कि अभी जैकेट निकाल दिया तो भी गर्मी लग रहा है। जो एसी चल रहा है फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मी का मौसम हो। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी प्राची का नाश्ता चालू है, ग्रीव ग्रीसु का भी नाश्ता चालू है। दिखा सुखाए ये प्राची ने मुकवा इना गड़े बच्चे, ये फिर वापिस गुजराती चालू हो जाता है। हमारे गुजराती लोगों का एक दिक्कत है कि हिंदी में बात करे तो बात तो कर सकते हैं, हिंदी में बात करना तो आता है, लेकिन बीच बीच में गुजराती ही निकल जाता है। तो अभी तक हमारा ऐसा था कि गुजराती में ब्लॉग बना रहे थे, लेकिन गुजराती में ब्लॉग बनाने में दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जो मतलब ऑल ओवर इंडिया में लोग देख सके। गुजराती तो अपनी एकदम जोरदार होंगे वो बाकी प्राची, गुजराती एकदम जोरदार गुजराती में कई घटे छे ज नहीं बाबन ने पाप मा गजब बेइज्जती है। प्राची जवानी के तरह घर जा रही है क्या तू अपने घर? मैं कैसे रहूंगा रे तेरे बगैर? क्या होगा मेरा तेरे बगैर रे पगली? हर रोज मुझे कौन पूछेगा कि मेरे बाबू ने खाना खाया? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। घर पे ग्रीव भूमि मासी के अभी हम पहुंच गए पुणी, मेरे बीवी का गांव है वो आ गया है। तो अभी थोड़ी ही देर में मैं बीवी मुक्त होने वाला हूं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। बीवी के बगैर कैसे जिंदा रहते हैं हम, वो हम आपको सिखवा देंगे इस वीडियो में। अच्छा हमको सिखा रही है? तो अभी सिखवा देंगे, बोलने में मजा आता है थोड़ा। और अभी यहाँ पे मेरे बीवी को मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। तो अभी हम पहुँच गए ये पुणी गांव में, जो मेरे बीवी का गांव है। तो अभी यहाँ पे उसको हम छोड़ के जाने वाले हैं।
जलसा करेंगे, फिर 10-15 दिन बीवी नहीं है तो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, मजा करेंगे, आपको दिखाएंगे हम व्लॉग में। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और बीवी बोल रही है फोन भी मत करना, जबकि मैं बैलेंस ही नहीं करवाने वाला हूँ, कि फोन आएगा भी नहीं, नहीं जाएगा भी नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेट फ्री रखते हैं तो वाईफाई ऑन रहता है, लेकिन उस पर भी हम फोन उठाएंगे नहीं, क्योंकि हमें 10-15 दिन थोड़ा सा शांति चाहिए। ऐसा हो तो हम चले जाएंगे कहीं पे पर्वत पे चले जाएंगे बैठने के लिए, उधर माला जाप करेंगे और थोड़ा शांति से जिंदगी जियेंगे। तो ये है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, ससुराल। ये है ससुराल, हम पहुंच गए हैं। ये है हमारा ससुराल और ये है हमारी ससुरी। चलो तो फिर मिलते हैं घर के अंदर जाने के बाद। तो अभी हमारा वापस जाने का टाइम हो गया है, इसको इधर ही छोड़ के जाने वाले हैं। और ये बच्चे रो रहे हैं अभी से। भाई अभी मैं इधर ही हूँ, क्यों रो रहे हो? इधर देखो, जैकेट दिखाओ तुम्हारा, जैकेट दिखाओ तुम्हारा। बारडोली आ चुके हैं, आप देख सकते हो सामने बारडोली का रेलवे स्टेशन है। और अभी हम जा रहे हैं बाबेन, और बाबेन जाके पहले हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं, फिर जाएंगे घर पे या फिर अजीज अपने कैफे के ऊपर। तो अभी चाय पीते हैं, बहुत सिर दर्द कर रहा है, क्योंकि सिर दर्द को क्या है, छोड़ के आया हूँ ना मैं, तो अभी चाय पी लूंगा तो सिर दर्द अभी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये वीडियो मेरा सिर दर्द देखेगा तो वापस से मेरा सिर दर्द करेगा, तो अभी ये सिर दर्द की बातें नहीं करते और फटाफट से जाते हैं चाय पीने के लिए। सिक्सर हाथ में, बारूद हवा में, हुआ पाल न पाका, बड़ा दम है दुआ में, बना मेरा हक का जो सब छीन लूंगा मैं, जो मेरा कोई नहीं किसी का ना हुआ मैं। फाजल फांदे जाल तेरे नी, खुदा दा कहर कुड़े। तो गाइस आज हम गरीबों को खाना खिलाने के लिए लेके आए हैं। ये हमारा सुमित भाई बहुत दिनों से भूखा था, बोल रहा था हफ्ते से खाना नहीं खाया है, तो उसको आज हम तुलसी में खाना खिलाने के लिए लेके आए हैं। आप देख सकते हो कितना भूखा है भाई, थोड़ा भूख दिखा ना, थोड़ा भूख तो दिखा, जीभ तो दिखा, जीभ थोड़ा निकल, ये देखो कितना भूखा है, बोल रहा है 3-4 महीने से खाया नहीं है, पता नहीं कैसे जिंदा है। यही है वो शख्स, देख लो एक बार ध्यान से, जो एंड्रॉइड वापट्टा है, गरीबों का आदि मानो। अने हवे हूँ जई रह्यो छुं सुवा माटे, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। काले पाछा मळीशुं एक नवा व्लॉग साथे। हर हर महादेव, गुड नाइट।